हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 से 7 साल में इतनी ज्यादा सरकारी फील्ड में भर्तियां नहीं हुई हैं जितनी ज्यादा भर्तियां हिमाचल प्रदेश में डीनोटिफाई हो गई हैं। इतने ज्यादा इन्होंने फॉर्म भरवा दिए, इतने ज्यादा लोगों के साथ जो पैसा इकट्ठा हुआ बाद में पेपर लीक। पहले जो भर्तियां होती थी 2017 के बाद, उनमें भर्तियां तो होती थी लेकिन जो पेपर लीक हो जाते थे, अब उसको चाहे पॉलिटिक्स बोलो या फिर उसको जो सरकारी कर्मचारी थे वहां पे जो करप्शन से भरे पड़े थे हमीरपुर चयन आयोग में, उन लोगों ने वो पेपर सारे लीक कर दिए थे। और उसी तरह से अब जो नई सरकार बनी है, अब भर्ती आती है, अखबार में दिखती है, नोटिफिकेशन आएगी, नोटिफिकेशन के पैसे लिए जाएंगे और बाद में भर्ती डीनोटिफाई कर दी जाएगी। पिछले लगभग 4 सालों का रिकॉर्ड आप एचपीयू का भी देख लो, लगभग 4.5 करोड़ रुपए उन्होंने ऐसे ही जमा कर लिया अपने पास, लेकिन भर्तियां नहीं हुई जो कि नॉन टीचिंग की वैकेंसी थी। और उसी तरह से एक और नई खबर आ जाई है, वन विभाग में जो जेई सिविल के 11 पदों की भर्ती थी उसको भी कैबिनेट मीटिंग ने डीनोटिफाई कर दिया है। पूरी खबर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज बात करेंगे जेई सिविल के 11 पदों को फिर से डीनोटिफाई कर दिया गया है। पूरी खबर विस्तार से जानिए। 26 मई 2022 को हिमाचल प्रदेश में जो चयन आयोग हमीरपुर था उसको भंग कर दिया गया था और लगभग 1502 वैकेंसी थी जो विभिन्न पोस्ट कोड के तहत इसमें भरी जानी थी और उसी में से एक थी जेई सिविल के 11 पद, और उसको भी आज डीनोटिफाई कर दिया गया है। पोस्ट कोड 970 में 11 जेई के सिविल इंजीनियरिंग के पद थे और उसमें जब इन्होंने वैकेंसी निकाली थी तो लगभग 8617 बच्चों ने इस परीक्षा में फॉर्म अप्लाई किए हुए थे। उन लोगों ने फॉर्म की फीस दी थी और जिसमें 7777 बच्चों के फॉर्म बिल्कुल सही पाए गए थे और लगभग 5524 बच्चों ने इस परीक्षा में बैठे हुए थे और उन सब में से सिर्फ 36 बच्चे सिलेक्ट भी हो चुके थे। 36 बच्चों ने इस परीक्षा को पास भी कर दिया था। उसके बाद सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचना था और उसके बाद मेरिट बेस पे उनका रिजल्ट निकलना था, लेकिन आज कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया है कि उस पोस्ट को भी रद्द कर दिए गए हैं, डीनोटिफाई कर दिए गए हैं। वन विभाग ने उस पोस्ट को वापिस ले लिया है, अब इसके ऊपर कोई रिजल्ट नहीं आएगा। उन 36 बच्चों का क्या भविष्य होगा जो इस उम्मीद में बैठे थे कि उन्होंने परीक्षा पास कर ली है, अब जल्दी उनको नौकरी लगने वाली है। लगभग जब आज 2 साल हो गए इस भर्ती को तो अब इन लोगों को पता लग रहा है कि इस भर्ती को भी डीनोटिफाई करना है। जो 2 साल से बच्चे उम्मीद लगा के बैठे थे उनका इनको कोई लेना देना ही नहीं है। राज्य चयन आयोग हमीरपुर के जो सचिव हैं विक्रम महाजन ने, उन्होंने कहा कि इस भर्ती को वापिस ले लिया गए हैं और उन्होंने इस खबर से बचना ही समझा कि इस भर्ती की जो फीस है उसको रिफंड किया जाएगा या इसके ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। अब इसको देखते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार बच्चों के ऐसे फॉर्मों के पैसा जमा जमा कर करके कितना पैसा बनाती है, या ये पेपर लीक हुए थे तो इसको 2 साल तक क्यों पेंडिंग रखा था। अब वो 36 बच्चे जो उम्मीद लगा के बैठे थे उनका क्या होगा, इसका कौन जवाब देगा, अब ये देखने वाली खबर होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हिमाचल प्रदेश से जुड़ी और भी नौकरी की वैकेंसी या फिर जो करंट सिचुएशन चली है हिमाचल प्रदेश में, जो अपडेट्स जिसको बोलते हैं, जो फैक्ट हैं एक्चुअल में जो चले हुए हैं, उन सबको देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।